वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्सवेल स्टडी हब। माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, माइक्रोबायोलॉजी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं और आज हम सीखेंगे सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। नाइन्थ क्लास में भी बायोटेक्नोलॉजी को आपने पढ़ा है, आपने मोर स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग मतलब उसके जो यूज़ हैं वो आपने प्लांट्स के लिए बहुत देखे हैं। टुडे हम वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग विच इज़ मोर स्पेसिफिक विथ एनिमल सेल एंड मोर स्पेसिफिकली विथ अस ऑल्सो। नाउ द होल चैप्टर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द सेल बायोलॉजी एंड आगे चलकर बायोटेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। When you open this particular chapter in your textbook, ऐसे क्वेश्चन से आपका सामना होता है कि what is cell, what is tissue, क्या different type के tissue हैं, कौन सी technique आपने tissue के लिए देखी है, समझी है। तो सेल डेफिनेटली, अभी सेल बायोलॉजी पढ़ने वाले तो सेल का ये जो आंसर है ये हम लोग कवर करेंगे। कमिंग टू टिश्यू, लास्ट ईयर नाइन्थ क्लास के बुक में ऐसा एक डायग्राम था जिसमें टिश्यू डिफरेंट टाइप के बताए गए थे, फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस एंड एपिथीलियम। ये चारों जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं दे हैव देयर ओन सेट ऑफ फंक्शन। एंड कमिंग टू दी विच टेक्निक इन रिलेशन टू टिश्यू यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर आपने सीखा था, एंड येस मोर स्पेसिफिकली विथ प्लांट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच आर द वेरियस प्रोसेसेस इन टिश्यू कल्चर। ये भी कैसे करते थे, पहले ग्रोइंग प्लांट से एक टिश्यू लेकर आते थे, उसको ग्रोइंग मीडिया में डालते थे, फिर उसके बाद उसको डिवीजन करवाते थे, ये सब अभी एक डायग्राम आएगा फिर से देखेंगे। बट दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो। अभी कमिंग टू द लास्ट लाइन, स्टेम सेल्स आर यूज फॉर द पर्पस। जो ये टिश्यू कल्चर की बात हो रही थी ना, उसमें स्टेम सेल्स यूज कर रहे थे। एक टोटिपोटेंसी करके एक वर्ड भी सुना था नाइन्थ क्लास में। बट अब क्वेश्चन आता है वेदर सच स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स और नॉट। ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और यही आपकी आज के पूरे वीडियो का मेरा मोटो है, आपको बताना कि ह्यूमंस में, अभी आपने प्लांट सीख लिया है, ह्यूमंस में कैसे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कि सेल, आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज सेल। तो सेल दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अगर डायग्राम देख रहे हो, ये पिक्चर देख रहे हो, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ये स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल का बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर नहीं, यूकैरियोट्स में क्या है, दे हैव देयर न्यूक्लियर मटीरियल सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दिस केस इट इज नॉट यूकैरियोट सेल। कमिंग टू प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो इस टाइप का होता है एंड दे आर यूनिसेलुलर। कमिंग टू अस, वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यस वी कंटेन यूकैरियोटिक सेल एंड द एग्जांपल्स आर प्लांट्स एंड यस दिस एनिमल्स एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स। कमिंग टू दिस यूकैरियोटिक सेल, अभी पूछा है सेल, तो सेल में क्या होता है, सबसे पहले एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसमें अंदर का कंटेंट उससे एक, मतलब बोलते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन के कारण एक प्रोटेक्शन बना हुआ है अंदर की चीज़ें से, मतलब और डिफरेंट इन्वायरमेंट से वो अलग दिखे, इसलिए सेल मेम्ब्रेन का काम हुआ। Now and yes again there is a difference between a plant cell and animal cell also, you also, ये भी आपको already पता है। Coming to these structures which you already know, let me just give you explanation about it. Nucleus होता है जो कि definitely it's a genetic material, जहाँ पे न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। हॉटस्पॉट भी बोलते हैं न्यूक्लियस को, बिकॉज किस सेल को क्या करना है, इसका क्या फंक्शन होगा, क्या स्पेशलाइजेशन होगा, ये सारी की सारी कोडिंग न्यूक्लियस में होती है। जैसे ही न्यूक्लियस की बात आती है, कोडिंग की बात आती है, तो कहाँ पे कोड होता है बच्चों, डीएनए में। डीएनए में, नाउ बिकॉज यू नो अबाउट द क्रोमोसोम, तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, दिस क्रोमेटिन गेट्स कंडेंस्ड टू फॉर्म अ क्रोमोसोम।
और इसी क्रोमोसोम में डीएनए, आई डोंट नीड टू गो इन दैट डीप बिकॉज यू ऑलरेडी नो. नाउ कमिंग टू दी दिस स्ट्रक्चर ER, अभी मैंने क्या बोला कि आपने फर्स्ट चैप्टर में हेरिडिटी और इवोल्यूशन में आपने ऑलरेडी देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है जिसमें राइबोसोम्स हेल्प करते हैं, तो वो जहां जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आकर चिपक जाएंगे उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पे नहीं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ कमिंग टू दिस स्ट्रक्चर, ये पूरा जो पिक्चर है ये दिखाना चाहती है कि जो प्रोटीन आपने प्रोड्यूस किया mRNA वाला, याद करो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, ये प्रोटीन अब निकलेगा. अब इस प्रोटीन को बेसिकली सेल से निकालना भी तो होगा, तो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो प्रोटीन वेसिकल जो ER है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें ये प्रोटीन वेसिकल बनाता है और उस वेसिकल से वो सेल से निकल रहा है, कहाँ से, न्यूक्लियस की तरफ से. नाउ कमिंग टू गॉल्गी, जो गॉल्गी बॉडी है विच इज प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म, वो क्या करेगा, उस प्रोटीन को रिसीव करेगा और कैसे बनाएगा उनको, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब उनको ऐसा गुंत एकदम जिस तरीके से वो यूज हो सके आगे चल के, एकदम घुमा के इसको बोलते हैं ना, एक गुच्छे जैसा बना देगा. फिर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन हम देख चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखो, ये जो न्यूक्लियोलस है उससे ना राइबोसोम्स निकलते रहते हैं, थोड़ा सा एक स्लाइड मिस मेरी आगे बढ़ गई, ये जो न्यूक्लियोलस है उससे राइबोसोम निकलते हैं, जो राइबोसोम को यूज करके मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. जब वो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है तो वो साइटोप्लाज्म की तरफ निकलता है थ्रू दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल से निकला, गॉल्गी ने उसको रिसीव किया एंड उसके बाद आगे कि उसको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देके यूज करवा दिया गया. एंड कमिंग टू दिस माइटोकॉन्ड्रिया विच इज नथिंग बट द पावर हाउस, तो आई कैन से एक सेल के पास सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है बात. साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे आपके गॉल्गी बॉडीज और ये सब घूमते रहते. सो नाउ अबाउट दिस ऑर्गेनेल्स, यू नो मेनी थिंग्स अबाउट इट, सो नाउ कैन वी से दैट दिस सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एंड दिस वॉज द माई फर्स्ट स्लाइड व्हेन आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द माइटोसिस, यही मेरी स्लाइड थी. तो यस, अभी भी मैं उसी पर हूँ कि ये जो सेल है वही है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल. क्यों स्ट्रक्चरल बच्चों, याद करो सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन में जब कोऑर्डिनेशन हो, बातचीत होने लगे तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम. एंड दैट इज वी, हम क्या है, एक फुल्ली डेवलप हमारा ऑर्गन सिस्टम है. तो सेल क्या हो गया, स्ट्रक्चरल, और किस सेल को क्या करना है या किस टिश्यू को क्या करना है उसको कौन बताता है, ये सेल, क्योंकि उसके पास एक जेनेटिक कोड है. तो एक न्यूक्लियर पार्ट था, एक एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक पार्ट था, और उसके बाद हमने ये सब ऑलरेडी देख लिया. आज आप लोग को एटलीस्ट ये क्लियर हो गया होगा कि रफ और स्मूथ में फर्क क्या है. जहां पे राइबोसोम आके चिपक गए वो रफ हो गया, और जहां पे नहीं है राइबोसोम की उपस्थिति वो क्या हो गए, स्मूथ. तो दिस इज अबाउट द सेल विच यू ऑलरेडी नो, ये आपको पता है. एंड यस, ये जो आपको पता है ना उसको साइंटिफिकली बोलते हैं साइटोलॉजी. जो मैंने अभी आपको 2 या 3 मिनट जो मैंने आपको इतना सारा सेल के बारे में बताया, इट इज अ पार्ट, इट इज यू आर रीडिंग एक्चुअली अ सेल बायोलॉजी. सेल की स्टडी को ही बोलते हैं सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी. सो व्हेन यू लर्न समथिंग अबाउट द सेल, इट इज नोन एज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी. It can be a prokaryotic cell, it can be a eukaryotic cell. In eukaryotic cell, it can be a plant cell, it can be an animal cell.
तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो आप सेल हैं, जब इनके बारे में आप समझते हो, जानते हो, तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी. सो कैन यू ऑल नाउ डिफाइन व्हाट इज साइटोलॉजी? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी. नाउ ये आपके बुक में एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है और आपको बोला है कि ये इसको भरो, क्या है इधर, आंसर क्या है. अगर मेरे बच्चों, अगर आप ये भूल चुके हो कि ये कहाँ से आया है, सो लेट मी गिव यू द रिमाइंडर. इट केम फ्रॉम योर 9th टेक्स्ट बुक ओनली. 9th में ये ऐसा था और अभी 10th में कुछ चीज़ों को गायब कर दिया. लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम पिक्चर एंड येस एंड दैट विल बी द आंसर फॉर योर टिश्यू कल्चर. इट्स एन पिक्चर दैट इज शोइंग टिश्यू कल्चर. अभी टिश्यू कल्चर में क्या करना है, ये ग्रोइंग प्लांट है, उसका क्या करेंगे, एक टिश्यू हम लेंगे, उसको ग्रो करेंगे. एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिकली अगार. अगार, AGAR. अगार में क्या होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं जो आगे चलकर प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करने वाले हैं. तो जब हम उसको ये प्रोवाइड कर देते हैं तो सेल क्या करने लगता है, अपने आप को एक, पहले क्या बनता है, एक मास लंप रहता है, उस लंप को उसको बोलते हैं कैलस. फिर मैं क्या करती हूँ आगे चल के, देन आई विल ट्रांसफर इनटू, फिर से एक नए अगार पे मैं भेजूंगी, मतलब नए प्लेट पे, नई मीडिया में भेजूंगी जहाँ पे वो हार्मोन होंगे जो उसकी रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे. जब वो हो जाएगा फिर मैं उसको दूसरे मीडिया पे ट्रांसफर करूंगी जहाँ पे वो न्यूट्रिएंट्स और आई कैन से हार्मोन्स होंगे जो उसके शूट, शूट मतलब स्टेम, स्टेम मतलब तना, उसकी हेल्प करेंगे. उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इन दोनों पार्ट्स का विकास हो जाएगा, फॉर एग्जांपल रूट और स्टेम का, तो प्लांट क्या होगा, एक अलग अलग नए प्लांटलेट्स उससे बन जाएंगे, निर्माण हो जाएगा उनका. फिर उसके बाद उन नए नए जो नए प्लांट्स आए हैं जो एक सिंपल टिश्यू से बने थे, छोटा नया प्लांट आपने नहीं लगाया था, आपने एक टिश्यू लिया थोड़ा सा, उसको ग्रो किया और अभी देखो आपके पास कितना मल्टीप्लिकेशन में. नाउ यू कैन टेक दीज सैपलिंग्स इन सॉइल और उसको गार्डन में आप डाल सकते हो. तो एक यहाँ पे पूरा एम्फसाइज मैं यहाँ पे ये करूँगी कि एक छोटे से टिश्यू से जहाँ पे कुछ सेल्स यूज किए गए, उसको ग्रो कर लिया और इतने सारे हमने मल्टीपल प्रोडक्ट बना लिए. सो वो जो ग्रोइंग मीडिया है उस पे रखना, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर. सो दिस इज अबाउट दी टिश्यू कल्चर विच यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन दी 9th स्टैंडर्ड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद साइटोलॉजी विच इज रिटन समथिंग दिस लाइक इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. We have studied the structure and types and organelles of cell. Yeah, definitely हमने structure देखा, cell membrane और ये सब देख लिया. फिर types हमने देखे, prokaryote, eukaryote, plant cell, animal cell. फिर organelles में वही जो मैं अभी बता रही थी, endoplasmic reticulum, lysosomes and ये सब. This is called as a cell biology और cytology. मुझे ना, I don't need to explain you about, I know because you already know about माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल, बट जब मैंने ये चीज़ को क्यों आपको दोबारा समझाया, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि साइटोलॉजी क्या है. ठीक है, नाउ कमिंग टू दैट, कमिंग टू सेकेंड पॉइंट. बिसाइड्स अबो मेंशन पॉइंट्स, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन. एंड आई नो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट नाउ फॉर ये सेल डिवीजन, तो अभी अच्छे से आता होगा. एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सेल. अब मैनी अदर एस्पेक्ट में क्या आएगा पता है आपको, कि ये सेल का क्वालिटी, मतलब अब सेल की और नई नई क्वालिटी जो आप सीखने वाले हो उसके बारे में पढ़ना. सो येस, कमिंग टू दी, जब हम, और हाँ ये अभी साइटोलॉजी इतना पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग क्या है. यस इसका उपयोग बहुत अच्छा है. इट हैज़ मेड अ रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड द मेडिसिन. इसको कैसे यूज़ किया गया, अभी तो आपने सिर्फ देखा था कि माइक्रोब्स को कैसे यूज़ करके हमने अपनी, बोलते हैं ना, खाने को अच्छा किया, हमने पोल्यूशन को अच्छा किया. अब ज़रा बायोटेक्नोलॉजी और सेल बायोलॉजी का उपयोग अपने ह्यूमन हेल्थ और मेडिसिन में देखिए. तो साइटोलॉजी, रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन हेल्थ. तो नाउ लेट्स मूव अहेड.
सो हाँ, देर इज समथिंग विच इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक, लाइक कि आपको वेबसाइट पे जाकर इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ना है. सो लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दिस इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो. दिस इंस्टीट्यूट्स आर वर्किंग ऑन दी सेल बायोलॉजी, मतलब सेल से रिलेटेड उनके कार्य सारे काम है. फर्स्ट वन इज इन सिचुएटेड इन पुणे एंड द सेकेंड वन इज इन बैंगलोर. इसको बोलते हैं नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंसेस एंड ये है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंसेस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन, जो कि शॉर्टकट में आपकी बुक में लिखा है इन स्टेम. इट इज इन बैंगलोर एंड दे ऑल आर वर्किंग अपॉन दी सेल के अलग अलग एस्पेक्ट को पढ़ना और उसको यूज करके हम ह्यूमन हेल्थ केयर या हेल्थ केयर अपने सिस्टम को कितने अच्छे से डेवलप कर सकते हैं. सो दिस आर दी बिग इंस्टीट्यूट्स विच आर वर्किंग इन इंडिया. किस और कौन से एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं? सेल्स पे. मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट ऑन, यू कैन विजिट दिस देयर साइट एंड यू कैन हैव द इन्फॉर्मेशन. सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक. अब जो साइटोलॉजी है, जो सेल बायोलॉजी है, उसका एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है स्टेम सेल. थोड़ा पता था नाइन्थ में, अभी एनिमल्स में कैसा है, ह्यूमन बींग्स में कैसा है वो देखना है. स्टेम सेल की क्वालिटी क्या है, क्या होते हैं स्टेम सेल? स्टेम सेल एक ऐसे सेल हैं जो दे आर प्रेजेंट इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक मी, मेरे में है. दीज सेल गिव राइज टू ऑल अदर टाइप ऑफ सेल. अब मुझ पर बिलीव तो करोगे नहीं, डेफिनेटली. सो आई हैव टू गिव द एग्जाम्पल कि कैसे. ये स्टेम सेल ही हैं जिनके, जो पूरी आपकी बॉडी में जितने ढांचा, जो आपका पूरा ढांचा है जिसमें जितने सारे सेल और टिश्यू प्रेजेंट हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सिमिलरली दिस वुंड हीलिंग, अगर आपको छाला हुआ, अल्सर हुआ मुंह में, तो क्या तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब आप दवा खाते हो, लैक्टोबैसिलस, प्रोबायोटिक्स, वो सब जब खा लिया आपने, सेल हील होना स्टार्ट होता है. तो उसकी जगह पे देखिए, एक सेल से दूसरा सेल, मतलब अच्छा वाला सेल आ जाता है, वुंड हीलिंग होने लगती है. जब आप गिर जाते हो क्रिकेट खेलते टाइम, तो जब जो सेल डैमेज हो गए हैं वो फिर से आ जाते हैं. वो क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल. सो स्टेम सेल्स, दीज आर द स्पेशल सेल्स विच कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ, अपने आप को दुगना कर सकते हैं एंड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द अदर टाइप ऑफ सेल. और इस जो इनकी एक क्वालिटी है, इसको बोलते हैं प्लूरिपोटेंसी. अब नहीं समझा है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं. अब देखिए यहाँ पे, अभी न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होता था? फर्टिलाइजेशन होता था, मेल गैमेट का, फीमेल गैमेट का. ये मैंने फोटो ली है आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से. तो क्या होता था कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूजन होता था, जायगोट बनता था. ये तय हो गया. जायगोट क्या था बेसिकली? इट वॉज अ गोला, मास का, एक सेल का गोला, ठीक है. सो न्यू ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम द जायगोट, दैट इज फ्रॉम बाय द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. एम आई राइट? यस. एट द अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ सेल, डेफिनेटली. ऑल द सेल जो उस टाइप पे, अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है बच्चों. डिफ्रेंसिएशन मतलब कैसा? ओके, जायगोट बन गया, मास आ गई. डिफ्रेंसिएशन क्या है? ओके, तुम आंख बनोगे, तुम आंख के सेल बनोगे, तुम किडनी के सेल बनोगे, इसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन. डिफ्रेंसिएशन मतलब आप हिंदी उसको सिंपली समझ सकते हो, ग्रुपिंग. बिफोर ग्रुपिंग जो सेल का जो गोला रखा हुआ है उसको बोलते हैं स्टेम सेल. समझी बात? सो दो सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल. ये देखो बच्चों, मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट आया, जायगोट बना. अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, पहले सेल अपने आप को माइटोसिस करवाएगा और डिवाइड करेगा. दैट्स व्हाई द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ स्टेम सेल, दैट इज इट कैन रेप्लीकेट. तो रेप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, बट अभी ग्रुपिंग नहीं हुई है, डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है. और ये जो गोला है जो फर्टिलाइजेशन या कॉन्सेप्शन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद इन फीमेल, जब वो ओविडक्ट से जो यूट्रस की तरफ उसका जो अभी प्रोसेस बढ़ने वाला है, तो पांचवें से सातवें दिन के बीच ये, और आफ्टर. अब पता है आपको, ये जो अभी कोई बेबी जब बॉर्न होने वाला है, तो जैसे जायगोट बना, तो जायगोट
मतलब फर्टिलाइजेशन के 14वें दिन बाद ग्रुपिंग होती है, तो उसके पहले जो ये जो मास का एक आपको सेल का जो ग्रुप पूरा दिख रहा है, इट इज नथिंग बट दी स्टेम सेल. नाउ कमिंग टू दिस, ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट दी सेल्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सेल, यस, क्योंकि वही आगे चल के डिवाइड होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी. किडनी का अलग काम है, लीवर का अलग, हार्ट का अलग. दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द स्टेम सेल्स. स्टेम सेल की ग्रुपिंग हो जाती है. हाउएवर, वंस द टिश्यूज आर फॉर्म, द सेल्स इन दोज टिश्यू एट द मोस्ट कैन फॉर्म सेम टाइप ऑफ सेल्स ओनली. अब थोड़ा सा ट्रिकी है, समझते हैं. प्लूरीपोटेंसी मैंने क्या बोला, ये क्वालिटी है स्टेम सेल की. स्टेम सेल खुद को रेप्लिकेट कर सकता है और किसी भी अंग को, मतलब कोई भी पार्ट उससे डेवलप हो सकता है. ये तो स्टेम सेल की क्वालिटी हो गई. फिर जैसे ही उसकी आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब उसको बता दिया कि भाई तू आंख का सेल है, तो आगे चलकर अगर वुंड हीलिंग या कुछ प्रॉब्लम हुई तो आगे चलकर आइस का ही सेल बनेगा, तब उसमें कोई डिफरेंट ऑर्गन नहीं आता, एंड दैट क्वालिटी इज नोन एज यूनिपोटेंसी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विद दिस डायग्राम. ओसाइट था, ओसाइट और स्पर्म का यूनियन हुआ, जायगॉट बना. फिर उसके बाद ये अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ. फिर यहाँ पे आए, ये जो है ये स्टेज क्या है स्टेम सेल की. ये देखो यहाँ पे स्टेम सेल आ गए, ये क्या हो गए, ये हो गए प्लूरीपोटेंसी हो गई इनकी, ठीक है. प्लूरीपोटेंसी मतलब रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं, एंड दे कैन डिवाइड इनटू डिफरेंट, मतलब दे कैन फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स आल्सो. तो इसने क्या किया, अभी इनकी क्वालिटी थी, रेप्लिकेट भी कर रहे थे और डिवाइड भी कर रहे थे, तो उन्होंने एक को सर्कुलेटरी सिस्टम बना दिया कुछ सेल्स को, कुछ को नर्वस सिस्टम में डाला, कुछ को इम्यून में. फर्दर जब ये सिस्टम में जो सेल अब प्रेजेंट है, जब वो अब आगे चलकर कभी डिवाइड हुए, तो अब वो क्या बनाएंगे, एक ही टाइप का सेल बनाएंगे, क्योंकि उसको अभी ड्यूटी अलॉट हो चुकी है. तो इसको बोलते हैं यूनिपोटेंसी. अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, स्टेम सेल पर फोकस करो कि स्टेम सेल की क्वालिटी है कि रेप्लिकेशन हो जाएगा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गन्स बना सकते हैं, एंड दैट क्वालिटी इज नोन एज प्लूरीपोटेंसी. सो नाउ दिस इज इन द केस इन द ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. हाउएवर स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब आप मुझे पूछोगे कि ये स्टेम सेल होते कहाँ हैं, क्योंकि इट विल बी अ जैकपॉट फॉर अस कि किसी का कुछ ऑर्गन फेलुअर हुआ तो स्टेम सेल को यूज कर से. यस, एंड दैट दिस जैकपॉट इज यूटिलाइज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी. लेट्स अंडरस्टैंड स्टेम सेल को थोड़ा और डीप में देखते हैं. स्टेम सेल को मैंने क्या बोला, लॉन्गर ड्यूरेशन में भी प्रेजेंट है. स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द अम्बेलिकल कॉर्ड बाय विच द फीटस इज जॉइंट टू द यूट्रस ऑफ द मदर, एंड दैट्स वाई इसको स्टोर भी करवाया जाता है, इसका स्टोरेज होता है, विच इज़ वेरी कॉस्टली. ये क्यों, किस आइडिया को सोच के ये स्टोर करवाया जाता है, बिकॉज आगे चलकर जो वो बच्चा है जिसका अम्बेलिकल कॉर्ड स्टोर किया जाएगा, या जो उसका ब्लड जब वो स्टोर किया जाएगा, तो अगर आगे चल के उसको कोई बहुत गंभीर बीमारी हुई तो वो अम्बेलिकल कॉर्ड यूज़ करके उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो यूज़ किया जाएगा. नाउ स्टेम सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसाइट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ब्लास्टोसाइट मतलब कौन सा था, ओविडक्ट से यूट्रस की तरफ जब मूव हुआ और यूट्रस में इम्प्लांटेशन हुआ. स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो एंड द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बींग. अडल्ट में भी है रेड बोन मैरो एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, इट हैज पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड द डिजनरेटेड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ दी स्टेम सेल. इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट और एनी काइंड ऑफ डिजीज, दी स्टेम सेल्स आर वेरी वेल यूटिलाइज. We will going to see. So now, जो अभी मैं बोल रही थी ब्लास्टोसाइट स्टेज और एम्बेलिकल कॉर्ड, तो ये रहा कटिंग ऑफ एम्बेलिकल कॉर्ड, और उसके बाद उसको स्टोरेज करते हैं ताकि आगे चलकर जब बच्चा, अभी इस बच्चे का अगर मैंने स्टोर किया तो आगे चलकर अगर वो बीमार पड़ा तो मैं इस एम्बेलिकल कॉर्ड को यूज कर लूंगी. क्यों, क्योंकि उसमें स्टेम सेल है. नाउ अभी आपको ऐसा लगा होगा कि स्टोरेज कराना तो बहुत आसान होगा, बहुत कॉस्टली है. क्यों,
For the purpose of preservation, stem cells samples are carefully collected from the source like cord blood, मतलब umbilical cord के blood को, red bone marrow को and embryo के blastocyte stage से ही कुछ cells को निकाल लिया गया, रख लिया गया, ताकि आगे चलकर मतलब कोई भी अगर उसको भविष्य में कुछ समस्या होगी तो इसको अच्छे से यूज़ किया जाएगा. Those vials are kept in liquid nitrogen at 135 degree to माइनस माइनस 135 टू 190. उनको स्टोरेज पूरी लाइफ टाइम के लिए स्टोरेज है तो बहुत कॉस्टली है ये. नाउ कमिंग टू डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स. अभी सोर्स कैसा है, मतलब आपने ब्लास्टो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे वो स्टेम सेल देखा है, निकाला है या अडल्ट पे, उसको डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स. स्टेम्स आर टू टाइप्स, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड अडल्ट स्टेम सेल्स. सो दिस आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम सेल्स एंड येस इन दोनों के अलग अलग रोल हैं. सो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम विच यू विल गेट स्टेम सेल एज वेल एज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एज वेल एज अडल्ट स्टेम सेल्स. सो दीज आर द टू सोर्सेज.